तो मिर्ज़ापुर का सीजन 2 आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें मुन्ना भैया की एक्टिंग कर रहे देवेंशु शर्मा काफ़ी अच्छे दिख रहे थे और उनकी एक्टिंग काफ़ी गजब की है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों का उन्होंने दिल भी जीता था। लेकिन वेब सीरीज़ के अंत में जो होता है वो मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि मुन्ना भैया की वजह से काफ़ी वेब सीरीज़ में जान थी। दोस्तों बात करें देवेंशु शर्मा की, तो उनकी एक नई वेब सीरीज़ आ रही है, उसका नाम है बिच्छू का खेल, जो कि आज के इस वीडियो का टॉपिक भी है। दोस्तों बात करें मुन्ना भैया की नई वेब सीरीज़ की, तो यह वेब सीरीज़ आपको 18 नवंबर को यानी कि दिवाली के समय में Zee5 और अल्ट बालाजी पर देखने को मिलेगी। दरअसल कुछ ही मिनट पहले इसका ट्रेलर अल्ट बालाजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ है, जिसमें देवेंशु शर्मा अखिल नाम के एक यूपी के लड़के का रोल निभा रहे हैं, जो कि कुछ कुछ तरह से मुन्ना भैया के रोल की तरह ही दिखाई देता है, और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी मुन्ना भैया की तरह ही दिखाई देती है। दोस्तों बात करें इस ट्रेलर की, तो ट्रेलर में दिखाया गया है कि दिव्यांशु शर्मा यानी कि अखिल के पापा की मौत हो जाती है, वो भी जेल में, और इसी का बदला लेने के लिए वो एक खून कर देते हैं। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि सरकार या फिर गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर सकती, वो ऐसे ही माइंड गेम बनाते हैं। दोस्तों ऐसा ही कुछ ट्रेलर में दिखाया गया है। दोस्तों बात करें दिव्यांशु शर्मा की, तो वो खतरनाक करते हैं, और इसी की वजह से मैं यह वेब सीरीज़ ज़रूर देखूँगा। दोस्तों अगर आपको यह वेब सीरीज़ देखनी है तो आपको 18 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों मिर्जापुर में जिस तरह की मुन्ना भैया की एक्टिंग की थी, उसकी वजह से उनके काफी फैन बन गए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों देवेंशु शर्मा ने जिस तरह से मिर्जापुर 1 और मिर्जापुर 2 में एक्टिंग की थी मुन्ना भैया की, उसी तरह की एक्टिंग हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लॉट और जगह बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। दोस्तों हाँ दोस्तों, यह भी कहानी यूपी की तरफ के ही है, तो इसलिए मुन्ना भैया की एक्टिंग थोड़ी सी उसी तरह से देखने को मिलेगी। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वेब सीरीज़ मूवी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।